वर्ल्ड कप में वापस आएंगे, अब वापस आएंगे, पर आई थिंक इतना बड़ा शौक और वो सडन शौक, जिस तरह से माही ने टेस्ट का शौक दिया था, इस तरह भी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का भी शौक दिया, आई थिंक बहुत बड़ी न्यूज़ है और बहुत सैड वाला मोमेंट भी। आई थिंक सो बिग फैन ऑफ माही कि आप बचपन से ही स्टार्ट होते हो, जब आपने क्रिकेट ही स्टार्ट की तो आप माही को खेलते हुए देखते हो, उसकी कैप्टनसी, उसकी बैटिंग, आई थिंक उसका सब कुछ, और आज जो डिसीजन आए, आई थिंक ये बहुत बड़ा दिन है। शायद हम ये चाहते थे कि वो 2019 वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत जाता, लॉर्ड्स में वो फाइनल उठाते, वहाँ से इतनी अच्छी तरह रिटायर होते, पर आई थिंक एंड इज़ नॉट गुड। ये आई थिंक दिस इज़ नॉट, हम ये नहीं चाहते थे कि माही के साथ हो जिस तरह से एंड हुआ, पर MS धोनी इसी तरह के बंदे, वो हमेशा इन्हीं चीज़ों के लिए जाने जाते हैं। वो कभी, उनका यही मोमेंट ऐसा ही था माइंड में कि वो कभी ये नहीं करेंगे कि यार मुझे प्रॉपर फेयरवेल दो, ट्विटर पे टैग ट्रेंड करे कि थैंक्स यू माही, थैंक्स यू। खैर मुझे लगता है टैग तो आज भी ट्रेंड करेगा कि वो आज तक की क्रिकेट के वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बेस्ट कैप्टन है आई थिंक जो अभी तक गुजरे। सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत सैड मोमेंट आप कह सकते हो, पर ऐसे न्यूज़ तो आनी थी, कभी ना कभी तो माही ने रिटायर होना था। हम उन्हें फिर IPL में तो खेलता देख सकते हैं, पर आई थिंक मैं ऐसे ना इंटरनेशनल क्रिकेट का आप कह सकते हैं शायद बहुत बड़ा, अगर लॉस कहेंगे तो वो ठीक होगा, पर आई थिंक जिस तरह से रिटायर हुआ ये आई थिंक नहीं होना चाहिए था। काश आप इमेजिन करते कि वो गुप्टिल की जो है ना थ्रो ना लगती, MS धोनी रन मुकम्मल कर लेते और वो जिमिनेशन वाला लास्ट ओवर, तो MS धोनी आराम से निकाल ले होते 2000 वर्ल्ड कप के बाद 19 के, तो वो प्रॉपर उस तरह से रिटायर होते और इंडिया जीत जाता 2019 का वर्ल्ड कप, और एक प्रॉपर फेयरवेल जो माही के फैन और पाकिस्तान में भी जो माही के फैन है वो चाहते, पर अनफॉर्चुनेट ऐसा नहीं हुआ। पर थैंक यू माही, जिस तरह से माही की सर्विसेज है, जो कुछ प्रोड्यूस करके दिए, जो दादा कहते ना इम्पैक्ट डाला है, जो माही के इम्पैक्ट आई थिंक वो बहुत मैटर करता है। समवेयर कम्युनिकेट तो हो गया होगा विराट कोहली को, कोच को या BCCI के चेयरमैन को कि माही क्या होगा, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पर आई थिंक नहीं खेलते, वो पहले ही कम्युनिकेट कर दिया था। और अभी 15 अगस्त के दिन जो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, उस दिन ये न्यूज़ आई है कि MS धोनी रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट।